होम्स नहीं निकाह करने, होम्स नहीं, हम लोग के मेंबर पे सब बातें नहीं होती थी उधर। अच्छा, नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, जकात नहीं, होम्स नहीं। अच्छा ये बताओ फिर कर क्या रहे थे, ये बताओ इतने दिन तुमने किया क्या, वो मातम किया आपका है ना, आपका मातम किया हुजूर? क्या हुसैन नहीं पूछेंगे हमारा मातम क्यों, यजीद का क्यों नहीं? बहुत देखिए, बहुत नाजुक मरहले से गुजर रहा हूं, इतना सख्त कोई जाकिर नहीं बोलता, मैं सिर्फ हिदायत के लिए बोला, मेरा मातम क्यों, यजीद का क्यों नहीं, मेरे पर क्यों रोए तुम, रीजन बताओ रोने का। हुजूर आपने दीन बचाया, शरीयत बचाई, नमाज बचाई, कौन सी शरीयत बचाई, तुम्हारे घर में है, कहां हैं आप, कहां हैं, आवाज खामोश क्यों है, नमाज बचाई, वेयर इज नमाज, कहां है तुम्हारे पास नमाज, कौन सी नमाज बचाई जिसके लिए तुम रोए, हज बचाया कहां है वो हज, खुम्स बचाया कहां है वो खुम्स, दीन बचाया कहां है वो दीन, है तुम्हारे घर में? हुसैन को हक है ना पूछने का या नहीं है, ये अथॉरिटी आपने नहीं दी, आप है कौन, मालिक महशर है वो, मालिक जन्नत है वो, हम गुलाम है उसके, वो हमें सुनना है उसकी, वो हमसे ज्यादा तैयार है आपको ले जाने के लिए, लेकिन खुद इतने फालिज ज्यादा बन ना जाओ कि रास्ता ना चल सको, बेदीनी का इतना फालिज ना गिरा लो जिस्म पर कि जिस मफलूज हो जाए, जन्नत तक जाने के लायक ना रह जाए। एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, बेदीनी के का इतना फालिज जिस्म पर ना गिरा लो कि पूरी बॉडी तुम्हारी मफलूज हो जाए, कि उठ के जन्नत तक जाने की सलाहियत ना रह जाए, क्योंकि तुम फालिज ज़दा हो। हुसैन ने पूछा चाहिए बताओ हम में और यजीद में फर्क क्या था, इतने ही बता दो हम तुमको पास कर देंगे, चलो एक सवाल का जवाब दे दो जन्नत में चले जाना, यजीद में और हम में क्या फर्क था? का हुजूर क्या आपका और यजीद से मुकाबला, यजीद बेदीन आप दीनदार, यजीद बद किरदार आप साहिब किरदार, यजीद चाहता था सब बेनमाजी हो जाएं, आप चाहते थे सब नमाजी हो जाएं, यजीद चाहता था सब बेदीन हो जाएं, आप चाहते थे सब दीदार हो जाएं, यजीद चाहता था काबा मिट जाए, आप चाहते थे सब हज को जाएं, है ना, ठीक है, पूछ लिया उसने क्या, अच्छा इसका मतलब बेनमाजी यजीदी प्रोडक्ट, बेदीनी यजीदी प्रोडक्ट, बदकिरदारी यजीदी प्रोडक्ट, यजीदी प्रोडक्ट है ना, यजीदी प्रोडक्ट, बेदीनी यजीदी प्रोडक्ट, झूठ यजीदी प्रोडक्ट, नमाजी हुसैनी प्रोडक्ट, रोजेदार होना यह हुसैनी प्रोडक्ट, दीदार होना हुसैनी प्रोडक्ट। इसका मतलब करबला में दो कंपनियां थी, एक का प्रोडक्शन क्या था, नमाजी रोजेदार हाजी जकात देने वाला सच्चा, दूसरे का प्रोडक्ट क्या था, शराबी जुआड़ी बेईमानी बेदीनी, यही है ना। हुसैन ने पूछा अच्छा आप बताओ बेनमाजी नमाज ना पढ़े, यह मैं चाहता था या यजीद? कहा तो हुजूर वो यजीद चाहता था। अच्छा तो यजीद की तुमने बात मान ली है, बदकिरदारी ये किसका प्रोडक्ट था, कहा यजीद का, कहा तुमने अपना लिया है, बेदीनी यजीदी प्रोडक्ट तुमने अपना लिया, रोजा नहीं रखा यजीद का काम किया, जकात ना दिया यजीद का काम किया, खुमसा ना कहला यजीद का काम किया, नमाज नहीं पढ़ी यजीद का काम किया, कारखाना किसका चला रहे हैं आप है? कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन आखिर में एक जुमला कहें, सारी जिंदगी यजीदी फैक्ट्रियों में काम करने वालों
हुसैनी दफ्तर से मजदूरी मांग रहे हो? सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सारी जिंदगी यजीदी फैक्ट्रियों में काम करने वालों, हुसैनी दफ्तर से मजदूरी मांग रहे हो? शर्म नहीं आती? कोई ऐसा काम नहीं किया जी? हम आज ज्यारत पढ़ते हैं फातिमा के लाल की। आप इत्मीनान रखिए, आपकी वजह से आजादारी जिंदा नहीं है, ऐसा कभी मत सोचिएगा। यह भूल है आपकी कि आजादारी आपकी वजह से जिंदा है, बल्कि आप आजादारी की वजह से जिंदा है।